Welcome back to FG Locket. I am Dipanshi Gupta and I am going to take this lecture on topic 6 of business regulations subject, and the topic is about Essential Commodities Act. इस लेक्चर में हम बेसिकली दो केसेस पढ़ने वाले हैं, पराग आइस एंड ऑल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एंड सेकेंड जजमेंट विल बी श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1974 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. श्री मीनाक्षी मिल्स 5 जज बेंच था, जजमेंट था जिसे रेफर करा गया था इस पराग आइस एंड ऑयल मिल्स वाले केस में, एंड पराग आइस केस जो था उसमें 7 जज बेंच बैठी थी. क्योंकि इस केस में मीनाक्षी केस को रेफर किया गया था इसलिए हम इस केस को भी कवर करेंगे इस लेक्चर में. ओके, अब इन दोनों केसेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेक्शन समझ लेते हैं कि सेक्शंस जो रेगुलेटिंग सेक्शंस हैं वो क्या कहते हैं, सो दैट केस समझने में हमें आसानी हो. सेक्शन 2A एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेरेशन एक्ट बेसिकली सबसे पहली बात जो कहता है वो ये कहता है कि इस एक्ट के स्केड्यूल में जो भी कमोडिटी स्पेसिफाई कर दी गई है उसको हम एसेंशियल कमोडिटी मान लेंगे. अच्छा जी, तो हम एक बार ही देख लेते हैं स्केड्यूल में कौन सी कमोडिटी स्पेसिफाई करी गई है. स्केड्यूल में ये बेसिकली लगभग 8 कमोडिटीज हैं, मेन 8 हेड्स हैं जिन्हें स्पेसिफाई किया गया है एज एसेंशियल कमोडिटीज. ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ्स, हैंक यार्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट, फूड क्रॉप्स, कैटल फॉडर, जूट सीड्स, कॉटन सीड्स, मास्क, राइट. चलिए अब आ जाते हैं वापस से अपने सेक्शन 2A की तरफ. सेक्शन 2A फर्दर ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस बात से सैटिस्फैक्शन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर कोई और रीजंस जो उसने नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके स्पेसिफाई कर दिए, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट सैटिस्फाइड है कि इस शेड्यूल को अमेंड करने की जरूरत है, क्यों, कोई कमोडिटी को ऐड करने के लिए या फिर कोई कमोडिटी को रिमूव करने के लिए इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स. व्हाट डज दिस मीन, ये जो आपकी स्केड्यूल में लिस्ट दी गई है एसेंशियल कमोडिटीज की, इसमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके अमेंड कर सकती है, यानी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट कमेंट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ये जो मास्क वाली कैटेगरी थी ये कब आई थी, कोविड के टाइम पे आई थी बाय नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 13 मार्च 2020, राइट. द गवर्नमेंट फेल्ट कि मास्क इस टाइम पे एक एसेंशियल कमोडिटी बन गए हैं कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम पे, एंड इसलिए उन्होंने मास्क को एक एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी में डाल दिया, राइट. हो सकता है कि कल को उन्हें लगे कि नहीं, मास्क अब एसेंशियल कमोडिटी नहीं बचे हैं, तो वो इसे इस एंट्री से हटा दे. क्यों एसेंशियल कमोडिटीज में डाल रहे हैं, ताकि प्राइस रेगुलेट कर सकें. लाइक इन कोविड 19 हमने क्या देखा, मास्क के प्राइसेस जो आज की डेट में 10-10 रुपीज में मास्क मिल रहे हैं, वो उस टाइम पे मास्क जो है 50-50 रुपीज, 100-100 रुपीज में मिल रहे थे. तो इस तरीके से प्राइस को रेगुलेट करने के लिए ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस शेड्यूल में एक कमोडिटी को डाल के उसे एसेंशियल कमोडिटी नोटिफाई कर सकती है, एंड देन उसका प्राइस रेगुलेट कर सकती है. अच्छा, लेकिन जो ये पावर है जो सबसेक्शन 2 में लिखी गई है वो किस सब्जेक्ट्स पर बेसिकली कर सकती है, किस सब्जेक्ट्स पर ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, तो आपका सबसेक्शन 4 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को एक्सरसाइज तो कर सकती है लेकिन सिर्फ उस कमोडिटी के रिस्पेक्ट में जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की. दैट मींस कि लिस्ट 3 के एंट्री 33 के तहत अगर आपके पास पावर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लिस्ट 3 में एंट्री 33 के तहत अगर पार्लियामेंट के पास पावर है उस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की, तो उस कमोडिटी को उस कमोडिटी के पर्सपेक्टिव में ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है. उस कमोडिटी के पर्सपेक्टिव में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इस शेड्यूल को अमेंड करके कोई भी कमोडिटी ऐड या रिमूव कर सकती है. अंडरस्टूड है यहाँ तक. अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 3 के तहत. सेक्शन 3 आप देखोगे तो बहुत ही लंबा है, बट आपके केस को समझने के लिए इतना काफी है
सेक्शन थ्री का हेडर क्या कहता है? पावर्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। दैट मीन्स कि ये सेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को फिक्स कर सके। कैसे? उसको रेगुलेट करके, एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोडक्शन सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट या प्रोहिबिट करके। अब ये जो प्राइसेस फिक्स करने हैं गवर्नमेंट को, ये आर्बिट्रेरीली नहीं करेगी, उसके पास कुछ रीजंस होने चाहिए। दैट मींस कि अगर उसे अपने ओपिनियन में ये लगता है कि ये करना जरूरी है, क्यों? एक एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए, या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, फेयर प्राइस पे पब्लिक को अवेलेबल करवाने के लिए, या फिर इंडिया के डिफेंस में किसी एसेंशियल कमोडिटी को सिक्योर करने के लिए जरूरी है, या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के एफिशिएंट कंडक्ट के लिए जरूरी है। फर्दर आपका ये सेक्शन क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर इसके तहत दिया जाएगा, दैट मींस ये जो ऑर्डर या नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी, वो प्राइस तो कंट्रोल करेगी, वो उसका बाइंग प्राइस भी कंट्रोल कर सकती है, वो उसका सेलिंग प्राइस भी कंट्रोल कर सकती है। मतलब वो एसेंशियल कमोडिटी किस प्राइस पर खरीदा या बेचा जाएगा उस प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, राइट? एंड आप इसका इंटेंशन देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी इन्होंने कमोडिटीज डाली हैं, ये एक तरीके से बेसिक नेसेसिटीज वाली जो बहुत ही एसेंशियल हैं जीवन यापन करने के लिए, उन कैटेगरीज को इन्होंने इन एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी में डाला है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। पहला केस है हमारा पराग आइस एंड ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का 1978 का जजमेंट है जिसमें 7 जज बेंच बैठी थी। इस केस में क्या हुआ था, मस्टर्ड ऑयल प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ये जो ऑर्डर है, ये जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है उसके तहत ये ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर इशू किया गया था, ठीक है? तो पहला इशू ये बना कि आर्टिकल 31B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 31B ये कहता है कि इस आर्टिकल के तहत अगर 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट को डाल दिया जाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है किसी, तो भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, उस लॉ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ है, तो इसी पर इशू बना कि क्या आर्टिकल 31B सिर्फ ऐसे एक्ट्स को, सिर्फ ऐसे स्टैट्यूट्स को प्रोटेक्ट करता है जो 9th शेड्यूल में प्लेस किए गए हैं, या फिर उनके तहत जो पावर या फिर एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज की जा रही है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो पावर दी गई है सरकार को, उसके तहत अगर कोई ऑर्डर इशू किया गया, उसके तहत अगर कोई नोटिफिकेशन इशू करा है सरकार ने, क्या वो भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? क्या उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन, उतनी ही सैंक्टिटी ग्रांटेड है जितनी उस लॉ को ग्रांटेड है उस 9th शेड्यूल में प्लेस होने के बाद? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 31B जो है सिर्फ एक्ट्स और रेगुलेशंस को सेव करता है, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस को सेव नहीं करता। एक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक पेरेंट स्टैट्यूट का सिर्फ एक एंसिलरी हिस्सा है, इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को ग्रांट नहीं की जा सकती। इसलिए सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अगर कोई भी ऑर्डर दिया गया है, उसको ये प्रोटेक्शन ग्रांटेड नहीं है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऑलराइट, चलो अब जब पिटिशन एडमिट हो गई, जब बेसिकली मेंटेनेबिलिटी सैटिस्फाई हो गई, तो फिर दूसरा इशू ये उठा कि क्या ये जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 1977 का विद रिस्पेक्ट टू मस्टर्ड ऑयल, क्या ये आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक्ट का डोमिनेंट पर्पस क्या है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का डोमिनेंट पर्पस है एसेंशियल कमोडिटीज को पब्लिक को फेयर प्राइस पे अवेलेबल करवाना, कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस पे अवेलेबल करवाना।
ऑल्दो इंडस्ट्री प्लेयर्स जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एकदम पेटेंट इनजस्टिस तो नहीं कर सकते, उनके साथ एकदम इनजस्टिस तो नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन ये कहना कि रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, वो सिनेकॉन नन यानी एक एसेंशियल पैरामीटर है किसी भी ऑर्डर को, किसी भी पावर के एक्सरसाइज की वैलिडिटी को जज करने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि प्रोड्यूसर्स के साथ हम पेटेंट इनजस्टिस इनकरेज नहीं कर सकते और वो हम इनकरेज कर भी नहीं रहे, लेकिन ये कहना कि उनको एक प्रोड्यूसर्स को एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। और इस बेसिस पे आप हमसे ये नहीं कह सकते कि ये जो पावर एक्सरसाइज की है सेक्शन 3 के तहत सरकार ने इस प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को लाने के लिए, ये इनवैलिड है। ये एकदम सही एक्सरसाइज ऑफ पावर है, क्योंकि इस एक्ट का प्राइम कंसिडरेशन ये है कि एक एसेंशियल कमोडिटी कॉमन मैन को फेयर प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए और ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। अंडरस्टूड है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑन मस्टर्ड ऑयल वाज अपहेल्ड, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया था। इजी। अच्छा, अब इस केस में ये जो पराग आइस वाला अभी हमने जजमेंट पढ़ा है, इस केस में श्री मीनाक्षी मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974 अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को रेफर किया गया था। अब रेफर किया गया था तो अब उसे पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक फैक्ट्स एंड कंटेंशंस एंड जो जजमेंट आया वो सेम था। ठीक है, इस केस में इशू क्या था कि कॉटन यान पर एक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकला था और उसके थ्रू कॉटन यान का फेयर प्राइसेस फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी। एक ऐसा नोटिफिकेशन निकला जिसमें कॉटन यान का फेयर प्राइस फिक्स किया जा रहा था और इस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया पिटिशनर ने। और चैलेंज करने का ग्राउंड क्या था कि ये जो प्राइसेस फिक्स किए जा रहे हैं ये बहुत ही आर्बिट्रेरी है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को रिलीज करने से पहले सरकार ने ना रॉ मटेरियल्स के प्राइस को कंसिडर किया, ना ही जो हमें वेजेस देनी पड़ती है लेबर को उसे कंसिडर किया, ना ही ट्रेडर के रीजनेबल प्रॉफिट या फिर इंडस्ट्री के रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर रखा। और क्योंकि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, ये प्राइस जो फिक्स हुआ है वो आर्बिट्रेरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जैसे एक इंडस्ट्री इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अगर ओपन मार्केट में प्राइसेस बढ़ या गिर जाते हैं, राइट, इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, या फिर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, वाइस वर्सा, राइट, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अगर किसी कमोडिटी में के प्राइस में राइज या फॉल देखने को मिलता है ओपन मार्केट में, तो इंडस्ट्री कंप्लेन नहीं करती, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर किसी नोटिफिकेशन के रिजल्ट के बेसिस पे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ घट रहा है तो इंडस्ट्री कंप्लेन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये नोटिफिकेशन भी इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब COVID-19 आया, अगेन टेकिंग दैट एग्जाम्पल, तो COVID-19 आया तो मास्क की या कुछ दवाइयों को लेकर उन्होंने उन्होंने एक प्राइस कंट्रोल करा, राइट। टाइम टाइम पे सरकार जो है वो कुछ कमोडिटीज का प्राइस कंट्रोल करती रहती है। क्यों करती है? इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। तो जब इंडस्ट्री ओपन मार्केट में कंप्लेन नहीं करती इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से प्राइस के बढ़ने घटने को, तो जब ऐसे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स पे सरकार कोई नोटिफिकेशन ला रही है जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ घट रहा है, तो अब इंडस्ट्री कंप्लेन नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का प्राइमरी डोमिनेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि कंज्यूमर को कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी फेयर प्राइस पे मिलनी चाहिए, ना ही ये कि मैन्युफैक्चरर्स को रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज के केस में हम मैन्युफैक्चरर्स के रीजनेबल प्रॉफिट को प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते. ऑलराइट. अच्छा, ये पूरा जजमेंट था. नाउ दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट. व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि 2023 में जो पेपर आया था ड्यू का, फिफ्थ सेमेस्टर का, बिजनेस रेगुलेशंस का, उसमें उन्होंने क्वेश्चन में ये पैराग्राफ आपको कोट करके दे दिया था. अब ये पैराग्राफ ऑल्दो कहा किस जजमेंट में गया था, श्री मीनाक्षी मिल्स में, लेकिन ये पैराग्राफ को पराग आइस जजमेंट में भी कोट किया गया था बाय रेफरिंग टू दिस जजमेंट. एंड दैट्स व्हाई उन्होंने पहले ये पैराग्राफ लिखा, ये कोट्स में लिखा पैरा, एंड उसके बाद बोला कि ठीक है, अब एसेंशियल कमोडिटीज के ऑब्जेक्ट पर आप कमेंट करो विद द हेल्प ऑफ केस लॉस. तो आपके लिए अच्छी चीज ये है कि पराग आइस और श्री मीनाक्षी मिल्स दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और दोनों में ही सेम तरीके की बातें की गई है. आपको सिर्फ केस का नाम याद रखना है एंड दैट्स व्हाई दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फेच मोर मार्क्स. तो एक बार ही जजमेंट पढ़ लेते हैं एंड देन आवर लेक्चर विल एंड हियर. सो व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट? इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड दैट द मियर फैक्ट दैट सम ऑफ दोज हु आर इंगेज्ड एलेज लॉस आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ लॉ. और यहाँ पे कौन एलेज कर रहा था लॉस? इंडस्ट्री प्लेयर्स, आपके प्रोड्यूसर्स, विल रेंडर द लॉ unreasonable, right? By its very nature, trade and commerce goes through periods of prosperity and adversity on account of economic and sometimes social and political factors in a largely free economy to ensure availability of foodstuff, clothes, etc. at fair price. Government has to step in to control distribution and availability in public interest and fixing the price. अंडरस्टूड है? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही हमने नीचे पढ़ा कि गवर्नमेंट को एसेंशियल कमोडिटीज को एक फ्री इकोनॉमी में फेयर प्राइस पे अवेलेबल करवाने के लिए स्टेप इन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करनी पड़ेगी और पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइस भी वो फिक्स कर सकती है, राइट? एंड जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री प्लेयर्स जो है वो लॉस एलेज कर रहे हैं ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ लॉ, इट विल नॉट रेंडर द लॉ अनरीजनेबल. Secondly, उन्होंने क्या बोला, when available stocks go underground and the government has to step in to control distribution and availability in public interest, fixing of price therefore can be only be empirical. Market prices at a time when goods did not go underground and were freely available, general rise in prices, capacity of consumer, especially in case of consumer goods like foodstuff, cloth, etc., the amount of loss which the industry is able to absorb after having made huge profits in prosperous years, all these enter into calculation of fair price in an emergency created by artificial shortages, right? Kya matlab hai ki jab boom tha, prosperous years the, aapne huge profits banaye apne hisab se prices determine karke, lekin jab stocks available nahi hai और ऐसी आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस की वजह से एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो स्टेप इन करे, कंट्रोल करे डिस्ट्रीब्यूशन को, पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइस को फिक्स करे. एंड ये सारे कंसिडरेशन जो है कि आपने प्रॉस्पीरियस ईयर्स के दौरान अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, फ्रीली अवेलेबल थे गुड्स, जो कंज्यूमर को आपने खूब अच्छे से पैसे पे बेचा था, ये सारे फैक्टर्स को भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन कैलकुलेशन ऑफ फेयर प्राइस. अंडरस्टूड है? नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग.